हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे आइट्रेटर, जनरेटर और डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो बेसिकली आज हम देखेंगे आइट्रेटर्स का क्या काम है, जनरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं और डेकोरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइट्रेटर्स क्या होते हैं। आइट्रेटर इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू आइट्रेट ओवर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, टपल, डिक्स एंड सेट। तो जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, आइट्रेटर मतलब वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी चीज को आइट्रेट कर रहा है। तो आइट्रेटर एक तरीके का हमारे पास पाइथन ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइट्रेट करते हैं। जैसे कि हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गए, सेट हो गए, तो ये सारे हमारे आइट्रेबल डेटा टाइप्स हैं जिनको हम आइट्रेट करते हैं। तो आइट्रेटर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हम इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमारे पास आइटर मेथड होता है। तो आइटर मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आइट्रेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम आइट्रेट करते हैं अपने कीवर्ड्स को या डेटा टाइप्स जो भी हमारे पास हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इट यूजेस द नेक्स्ट मेथड फॉर आइट्रेशन। तो अब आइट्रेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट मेथड। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसका करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग आइट्रेटर को क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं। तो ये मेरी जो पाइथन नोटबुक है जिसके ऊपर मैं आपको कोड लिखकर दिखाऊंगी। अगर आपको नहीं पता है ये कैसे डालना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन एंड एनाकोंडा को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और जो पाइथन नोटबुक पे कैसे वर्क करना है वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी फिलहाल हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। ओके, आइट्रेटर हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया फ्रूट्स इज इक्वल टू एक टप्पल ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने डाला एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो एक हमारी लिस्ट रेडी हो गई। अब हमें आइटर मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले, मैं एक ऐसी वेरिएबल ले लेती हूँ जैसे कि मैंने इसका नाम ले लिया माई फ्रूट्स, ठीक है। अब हम लोग आइटर मेथड यूज़ करेंगे और आइटर मेथड में हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स पास करा देंगे, क्योंकि जो हमारा आइटर मेथड हम किसे आइट्रेट कराना चाहते हैं, जो फ्रूट हमने ऊपर लिया है वेरिएबल, हम ये जो हमने लिस्ट बनाई सॉरी टपल बनाया है इसी को हमें आइट्रेट कराना है। अब आइट्रेट कराने के लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एंड हम यहाँ पे पास कराएंगे माय फ्रूट्स। देखिए यहाँ पे एप्पल जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है, आउटपुट में नीचे आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से अगर नेक्स्ट मेथड में माय फ्रूट को कॉल करती हूँ तो मैंगो प्रिंट हो गया। एक मिनट, इसको मैं प्रिंट मेथड के अंदर डाल देती हूँ, वो डायरेक्ट आउटपुट शो कर रहा है यहाँ पे। देखो पहले एप्पल प्रिंट हो गया, फिर दोबारा मैंगो प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे दोबारा से प्रिंट कराना है, फिर से मैं नेक्स्ट मेथड यूज करूंगी एंड दोबारा से मैं लिखेंगे माय फ्रूट्स, तो यहाँ पे ग्रेप्स प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं दोबारा से नेक्स्ट मेथड यूज करूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टपल में आप देख सकते हो तीन ही फ्रूट्स थे और कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर मैं फिर से यूज करूंगी तो ये मुझे एरर दे रहा है, स्टॉप आइट्रेशन। स्टॉप आइट्रेशन का ये इस क्यों दे रहा है एरर, इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन ही एलिमेंट थे हमारे टपल में और मैं दोबारा से तीन के बाद मैं फोर्थ टाइम दोबारा से ट्राई कर रही हूँ कि फिर से वो कुछ प्रिंट करे, तो इसलिए वो मुझे कह रहा है स्टॉप आइट्रेशन, क्योंकि हमारा मेथड जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आगे खत्म हो गए क्योंकि तीन ही थे इसके अंदर, इसलिए वो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है स्टॉप आइट्रेशन का। तो इस तरीके से हम आइटर मेथड यूज करते हैं। आप किसी भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको लगा सकते हो और उसके एलिमेंट्स को इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग डेकोरेटर्स पे, सॉरी जनरेटर्स पे आते हैं। जनरेटर फंक्शन इज डिफाइंड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन बट व्हेनेवर इट नीड्स टू जनरेट अ वैल्यू इट डज सो विद द
yield keyword rather than the return. तो basically आपका जो generator function होता है वो एक normal function की तरह ही होता है, बस इसका क्या काम है, जैसे normal function में हम लोग last में return keyword use करते हैं, इसके अंदर हम yield keyword use करते हैं. जहाँ पे भी आपने yield keyword लगा दिया वो automatically आपका generator बन जाता है. तो अगर simply अगर बोला जाए, generator is a function that return a object iterator which we can iterate over, यानी one value at a time. तो basically जैसे हमारा आइट्रेटर था ना, हम जनरेटर की हेल्प से अपना खुद का एक आइट्रेटर क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, ये कैसे वर्क करता है मैं आपको प्रैक्टिकली पहले करके दिखाती हूँ. तो चलिए एक जनरेटर फंक्शन को क्रिएट करते हैं. सबसे पहले जैसे नॉर्मल फंक्शन आप क्रिएट करते हो डी ई एफ की हेल्प से, इसी तरीके से जनरेटर फंक्शन भी क्रिएट होता है. तो डी ई एफ, देन आपको अपने जनरेटर का नेम देना है. ओके, देन अच्छा अब मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीमेंट करने वाला एक फंक्शन बना रही हूँ कि कोई भी वैल्यू वन बाय वन इंक्रीमेंट होगी. तो यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया जिसके हमने वैल्यू दिया एन इज इक्वल टू वन, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ फर्स्ट वैल्यू. ओके, देन यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगी, नहीं रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न हम नॉर्मल फंक्शन में यूज करते हैं, यहाँ पे हम यील्ड कीवर्ड यूज करेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या लिखेंगे, एन, यील्ड एन. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को वन बाय वन इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो मैं दोबारा से लिखूंगी एन इज इक्वल टू प्लस इक्वल वन, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ सेकेंड वैल्यू एंड दोबारा से हमने yield n लिखा है. नेक्स्ट मैंने फिर से लिखा n प्लस इक्वल टू वन, एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया थर्ड वैल्यू, एंड फिर से हम यहाँ लिखेंगे yield n. ओके, अभी जैसे आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब नॉर्मल फंक्शन को आप कॉल कराते हो तो एक वेरिएबल लिया, देन उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं. तो यहाँ पे मैं अपने जनरेटर का नेम लिखूंगी, जो हमारा ये जनरेटर है. ओके, देन हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से इसको आइट्रेट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नेक्स्ट एंड डी. ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिला है, फर्स्ट वैल्यू वन, ये मेरा प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिटर्न क्या करा रखा है n को, तो n की वैल्यू रिटर्न कर दी और मैंने प्रिंट कराया फर्स्ट वैल्यू. तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया है. अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट नेक्स्ट d, तो यहाँ पे इसने मुझे सेकेंड वैल्यू प्रिंट कराई है और n की वैल्यू क्या हुई, वन इंक्रीमेंट हो गई. यानी कि जो ऊपर n की वैल्यू थी उसने क्या करा, उसी को आगे कॉन्टिन्यू किया और n के अंदर वन एड करके मुझे टू वैल्यू दे दी. अब अगर मैं दोबारा से लिखूं print next, दोबारा से हमने इसको कॉल करा है, तो अब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो n की वैल्यू थी उसने उसी को आगे लिया है, उसके अंदर वन एड करके मुझे थ्री रिटर्न कर दिया. तो इस तरीके से हम लोग जनरेटर को यूज करते हैं. तो बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शन होता है, अब आप उसको कॉल करोगे वो दोबारा शुरू से कॉल होगा और वो पूरे स्टेप उसके दोबारा से कंपाइल होंगे, रन होंगे और फिर आपको आउटपुट मिलेगा. यहाँ पे क्या हुआ, जनरेटर आपने जहां पे छोड़ा था उसी के आगे नेक्स्ट वो आगे कंटिन्यू हो रहा है. यानी इस स्टेप पे अगर आपने उसको स्टॉप करा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना, आइट्रेट करना, तो जब आप दोबारा उसको कॉल कराओगे इस तरीके से नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से, तो क्या करेगा, जो उसके आगे वाला नेक्स्ट स्टेप होगा ना उसको प्रिंट करके, उसको रन करके आपको आउटपुट देगा. तो ये काम होता है हमारे जनरेटर का, जहां पे आप स्टॉप कर रहे हो नेक्स्ट आपका आइट्रेशन वहीं से स्टार्ट होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप से. तो ये था जनरेटर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे डेकोरेटर्स क्या होते हैं. अच्छा, डेकोरेटर्स आर वेरी यूजफुल टूल इन पाइथन सिंस इट अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास. तो डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डेकोरेटर फंक्शन का क्या काम होता है, वो किसी और फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं बिना उसके बिहेवियर को चेंज करे या उसकी खुद की फंक्शनैलिटी को चेंज करे. यानी कि आपने कोई एक फंक्शन बनाया है तो डेकोरेटर क्या करेगा,
उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को और इंक्रीज कर देगा, यानी जो भी आपने फंक्शनैलिटी अपने डेकोरेटर्स में डाली है वो आपके उस फंक्शन में भी इंक्लूड हो जाएगी जिसके लिए आप डेकोरेटर्स को यूज कर रहे हो। तो चलिए डेकोरेटर्स क्रिएट करते हैं। जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो DEF, इसी तरीके से हम लोग डेकोरेटर्स भी क्रिएट करते हैं। अभी पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करती हूँ जिसका नाम मैंने लिया डिस्प्ले, एंड इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया वेलकम टू वी एनकोडर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब इस फंक्शन के लिए मुझे डेकोरेटर बनाना है। अच्छा, हम डेकोरेटर बनाते क्यों हैं? मान लीजिए कि आपका मेरे को कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो मैं इसमें भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे 200 फंक्शन बने हुए हैं। अब उन फंक्शंस के अंदर मुझे ये जो मैं डेकोरेटर क्रिएट करूंगी वो मुझे ऐड ऑन करना है, तो अब हर एक फंक्शन के कोड में मॉडिफिकेशन करने से बेटर है कि आप एक डेकोरेटर बनाओ और उस डेकोरेटर को सिर्फ आपको एट द रेट की हेल्प से पास कराना होता है अपने फंक्शन में। तो चलिए पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम पास कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया माई डेक, इस तरीके से मैंने नेम लिया अपने डेकोरेटर का, एंड यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैंने ले लिया माई फंक, एंड मैंने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करा दिया, एंड इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो एवरीवन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा फंक्शन है इसको अब हम रिटर्न कराएंगे। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया माय फंक। ओके, अच्छा अगर मैं इसके बाद भी यहाँ पे कुछ एक और लाइन प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया टेक केयर। ठीक है, अब ये हमने एक डेकोरेटर बनाया है, अब मुझे इसको कॉल कराना है। तो कॉल कराने के लिए हम लोग मतलब किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे एट द रेट की हेल्प से इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप एट द रेट लगाएंगे और अपने डेकोरेटर का नेम लिखेंगे। तो अब मैं डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कराती हूँ, ये देखो मेरा ये फंक्शन था डिस्प्ले, मैंने इसमें क्या प्रिंट कराया था वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी, लेकिन जो मैंने इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करी है वो मैंने डेकोरेटर्स की करी है। मैंने जो डेकोरेटर बनाया है मैंने उसको यहाँ पे पास कराया विद द हेल्प ऑफ एट द रेट। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ हेलो एवरीवन, देन उसके बाद मेरा जो फंक्शन है वो प्रिंट हुआ है, एंड देन लास्ट में टेक केयर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेकोरेटर्स क्रिएट करके किसी भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे डेकोरेटर्स क्रिएट होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आइटरेटर, जनरेटर और डेकोरेटर हम किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।